चलो भाई। ओ देख कैसी खतरनाक सी आवाज निकालते। ठीक है माशाल्लाह। अब भाई पानी गर्म होगा। पुराने तो पुराने दौर में वापस आ गए हम लोग भाई। गांव गांव का जो मंदिर होता है ना, मतलब वहां पे भी इसी तरह पानी वगैरह गर्म किया जाता है ना। तो भाई अभी वही वाला जो है ना मंदिर आ गया। पानी हमें जो है ना ऐसे गर्म खाना वगैरह पानी जो है हमें इस पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ गैस का बड़ा मसला है भाई कराची में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे मिनी ज़ू में। तो अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें भाई। भाई आज जो है ना मतलब तीसरा रोज़ा है, और भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं भाई। मेरा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, मतलब इतना लगता नहीं है, गर्मी वगैरह है नहीं, मौसम जो है ठंडा है, तो इस वजह से रोज़ा का इतना पता नहीं चलता है। बाकी अभी चलते हैं अंदर। हाँ भाई क्या हो गया? सुस्त हो रहा है यार, सब खाना खिला रहा हूँ। सुस्त हो रहा है, क्या वजह हो गई है? आज तो सही हो गया, आप सुस्त हो गया ये है? रहा है क्या है? तो ये कल तक तो सही था, बेहतर था, कल भी इतना अच्छा नहीं था। हाँ अभी सो रहा, खाना खिला रहा हूँ आपसे, कुछ ना कुछ। हाँ बच जाएगा वो, देखो ये सही है हमारा, देखें दोस्तों बिल्कुल एक्टिव है, ये एक्टिव है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, एक्टिव है, कीड़े डाले तो प्रोटीन ले रहा है। हाँ ये तो खा रहा है बिल्कुल सही। इसको क्या हो गया भाई, क्या हो गया? पेट में पानी क्यों है भाई इसके? पानी पिया होगा इसमें, तो फिर निकालो पानी इसके पेट से। कैसे निकालोगे अभी इसके पेट में जो पानी भी है, अभी पानी वानी निकालो इसके, हो सकता है पानी के वैसे हो रहा हो। A few inches later, वो कुछ किया? हाँ पानी तो निकाल दिया ये देखो भाई, पानी तो पापा ने अभी निकाला है। ये पेट खाली हो गया इसका, सारा निकाल दिया। सही है, जल गया सही। अब इसको ना खाना खिला देता हूँ। हाँ खाना खिलाओ इसको। पानी तो भाई इसके पेट से हमने निकाल दिया, क्योंकि पानी में ना इसके पेट में जो है ना पानी बहुत, मतलब पता नहीं क्या पिया है, भरा हुआ था पेट। तो अभी जो है ना इसके पानी निकालते हैं, पानी तो निकाल दिया, खाना खिलाते हैं इसको। अभी खिला रहे हैं, देखें हाथ से पापा, ऐसे तो खुद तो खा नहीं रहा है, निकाल दिया। चलो देखो कह रहे इसको खिलाओ, इसको जो ना पापा कह रहे हैं बाजरा खिलाते हैं, बाजरा ला के दूं पापा। खाए भाई बाजरा, बारीक बाजरा, बारीक बाजरा कहाँ रखा हुआ है भाई? हाँ भाई ये वाला दाना दे देते हैं। बारीक बाजरा तो यार खत्म हो गया, ये दे दो इसको, इसको आप ये दे दो जब तक मैं जो है ना मिल्की डामर के बच्चे जो हमारे हनी बनी सनी है ना भाई, ये लोग भी जाली पे आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी भाई खाने का टाइम हो गया है और खाना इनको दिया नहीं है। तो अभी जो है ना इनको खाना वाना देते हैं भाई। हाँ भाई तो भाई इनके खाने का टाइम हो रहा है, देखें माशाल्लाह तो कितने बड़े और कितनी मतलब क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। अभी इनको खाना देते हैं। ये तो भाई पहला वाला तो फुल बड़ा हो गया भाई, ये तो फुल अपनी अम्मा पे गया, फुल अम्मा जैसा कर रहा है। तो देखें बिल्कुल माशाल्लाह कितने बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाला देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं भाई। अभी इनको खाना वाना देते हैं भाई, इनका पकड़ूँ पकड़ूँ, भाग जाएंगे फौरन। नहीं भाग रहे भाई अभी, यहाँ स्पीड पकड़ रहा था, अब भाग नहीं कर रहा था। हैं गुजू 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 हनी, हाँ देता हूँ। तो बाबा बोल रहे हैं कि उसको जो है ना पापे भिगो के खिलाते हैं, देखते हैं भाई। इनके पैर देंगे तो गद्दे हो जाते हैं नीचे से, बाकी पूरे वाइट होते हैं। चलो अंदर अंदर जाओ, बाहर नहीं आना, बाहर आने का नहीं दोस्त। बस ये चाहती है मैं किसी दिन बाहर आ जाऊं भाई, बाहर नहीं आना भाई, बाहर नहीं अंदर ही रहो। चलो भाई इसको भी छोड़ देते हैं, जाओ भाई। ओ फौरन आई इसकी अम्मा, बोली देखूँ तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को किया तो नहीं है इसने। चलो अंदर चलो, नहीं बाहर नहीं आना। चलो अभी तुम लोग खाना लेके आता हूँ, खाना लाते हैं अभी और अपने टर्की बर्ड को भी खोल देते हैं भाई। जाओ यहाँ तो भाई फुल डांस मोड ऑन रहता है हर वक्त, ये और जो हमारा रांझा है ना, ये दोनों भाई ये सेम एक ही जैसे, हर वक्त जो है ना डांस हो रहा होता है इसका। देखिए माशाल्लाह से यार, इनके नाम तो रखो इनके नाम। हाँ। क्या नाम होना चाहिए भाई इनके? वो पूछो अपने लीवर से। तो भाई इनका जल्दी से आपने नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये जो है ना बड़ा खौफनाक सा हो गया है, तो इसका नाम होना चाहिए भाई अब कोई, क्योंकि माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, अब तरकीब थोड़ी बोलते रहेंगे ना हम,
तो भी इनका नाम होना चाहिए। तो आप लोग ने जल्दी से नाम इसे कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा था कोई नाम जो अच्छा लगे फिर हम वो रखेंगे। तो भाई फटाफट से आपने जाए और कमेंट में फटाफट इनका नाम लिखेंगे। हाँ क्या हो गया, क्यों आ रहे हो मेरे पास? वैसे डरा रहा है मेरे को ये, और माशाल्लाह से देखें कितनी माशाल्लाह कितना प्यारा और फुल हो गया ये। मतलब हम लोग ये लेके आए थे, किस तारीख को लेके आया था मैं देखता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई मैंने अभी जो है ना डेट देखी है, तो तकरीबन इसको लाए हुए ना हम लोग लेके आए थे 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर से आज जो है ना, मतलब आज है मेरे ख्याल में कौन सी भाई 13-14 मार्च है भाई। तो आज तक जो है ना इसको हो गए तकरीबन 116 दिन हमारे पास, और 116 दिन का मतलब होता है तकरीबन साढ़े तीन महीने। हाँ साढ़े तीन महीने तकरीबन इसको हमारे पास होगा। साढ़े तीन महीने में माशाल्लाह से ये देखें कैसा कवर हो गया। पहले जो आया था देखें, पहले ऐसा था ये, और अब देखें कैसा हो गया। पहले इस तरह का था, अब इस तरह का हो गया माशाल्लाह से, फुल जो है ना कवर्ड हो गया। तो भाई इसका बिफोर आफ्टर हो गया माशाल्लाह से बहुत जल्दी कवर हुआ है। मुझे लग रहा था कि ये साल वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी मतलब कवर हो गया। और माशाल्लाह से बहुत मतलब जो इसकी दुम है ना भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अलग ही चीज़ है कोई। अब इस पर एक वाइट कलर भी आता है, तो हो सकता है हम लोग वो वाला भी लेके आएंगे, तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है, तो वो वाला भी ले आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें कैसे कर रहा है, और उसकी माता वहाँ घूम रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये अकेला बस घूमे जा रहा है इधर उधर, चीज़ों को डरा रहा है, हमारे रेम्बो को डरा रहा है। रेम्बो यहाँ बैठा हुआ है, उसको डरा रहा है भाई। तो भाई मुझे अब लग रहा है कि रेम्बो जो है ना बड़ा हो रहा है, तो रेम्बो के लिए भाई एक बड़ा केज लाना पड़ेगा, रेम्बो के लिए जो है ना बड़ा केज का जो करना पड़ेगा भाई अरेंजमेंट। ओके ये जो है ना बड़ा हो गया पिंजरे में, इसके लिए इसके हिसाब से जो है ना पिंजरा छोटा है भाई, क्योंकि अभी मस्तियाँ वगैरह भी करता है ना, तो इसके हिसाब से ही छोटा है, तो इसके लिए कोई बड़ा पिंजरा लाना पड़ेगा। देखते हैं भाई कोई मिल जाए तो। बाकी भाई इसका देख, मैं तो दिल कर रहा भाई यहीं बैठ के इसको देखता हूँ इसका डांस। चलो भाई, ओह देख कैसी खतरनाक सी आवाज़ निकालते। चलो भाई तुम घूमते रहो, बाकी अभी हम लोग देखते हैं अपनी मुर्गी को। हाँ भाई तो भाई ये भी बस जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह 6-7 दिन में जो है ना इसके बच्चे भी आने वाले हैं। बाकी इसके तो अभी टाइम है भाई, इसके तो 30 तारीख तक आएंगे, इसके 20 तक आएंगे, तो मतलब 6-7 दिन हैं इसके भी। और इसके जो है आएंगे तो कितने में कब आएंगे, 30 तारीख को तकरीबन, इसके 15 दिन है भाई, अभी 15 दिन इसके हो गए और 6 दिन या 7 दिन में इसके बच्चे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई जैक, भाई जैक तो आप लोग को पता है पूरा नफ्सियाती पागल हुआ भाई, बेगम के बनने का इतना गम है इसको। हाँ भाई बाकी अंदर भाई रांझा का डांस चल रहा, तो भी रांझा का डांस चल के देखने भाई, तो से देखने चलो जी। बाहर तरकी बट इधर रांझा भाई, तो भाई इनका दोनों का कॉम्पिटिशन होना चाहिए ऐसे, तो कितना कौन देर तक डांस कर सकता है। तो भाई जीतेगा कौन हमारा, अपना तरकी बट जीतेगा, क्योंकि वो हर वक्त जो है ना डांस कर रहा होता है, और ये जो है ना मतलब ये मूड पे है इसके, मगर ये भी हर वक्त ही कर रहा होता है, लेकिन जीतेगा फिर भी हमारा ही तरकी बट, क्योंकि वो हर वक्त डांस कर रहा होता है भाई माशाल्लाह। तो परों का फैलाव देखें इसका, तो ये जो है ना पूरा एरिया कवर कर रहा है। माशाल्लाह बंद नहीं कर, बंद नहीं कर, बंद नहीं करना, नहीं 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 बंद नहीं करनी थी, चलो कोई बात नहीं माशाल्लाह। लेकिन देखें अभी देखें बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ देखें पीछे, तो तकरीबन इस एरिया जो है ना, ये हमारा जो एरिया तकरीबन 7 फीट इसकी है, 7 या 8 फीट इसकी तकरीबन है, तो 7-8 फीट में जो है इसकी देखें पूरी कवर्ड हो रही है। और थोड़ी सी अगर इससे दुम बड़ी करी, पता नहीं और करे या नहीं करे, और करी तो फिर टकराएगा भाई। देखें माशाल्लाह क्या खुदा की शान है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बाकी इधर भी भाई ये लोग भी जो है ना हमारे मिनी पिकॉक्स ही हैं भाई सारे, ये देखें सारे इनकी भी दुमे देखें माशाल्लाह, तो मिनी पिकॉक्स हैं भाई ये सारे, और गए बाकी वो सारे ऊपर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि ये खाना कब देगा, मैं खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं ये लोग। देखें इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। बाकी अभी रांझा भाई उड़ के जो है ना ऊपर बैठ गया है, क्योंकि ये जो है ना मतलब ऊपर वाला डंडा भी हमें थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कि उसका सर जो है ना देखें वो सीधा सर ऊपर करेगा तो सर ऊपर टकरा रहा है उसका, वही बड़े मसले हैं भाई। इसको तो काफ़ी जगह चाहिए भाई, तो इसके लिए जगह का कोई अरेंजमेंट करनी पड़ेगी भाई, और बड़ी जगह करनी पड़ेगी। माँ पापा को मैंने बोला है इसके लिए थोड़ी सी भाई जगह का कुछ करें, क्योंकि जो है ना ये जगह इसके लिए कम पड़ी है भाई, इसके अंदर पापा कह रहे हैं कुछ ना कुछ करते हैं भाई। बाकी ये जो है ना भाई अब अंडे खाने लग गए, क्योंकि ये जो है ना अंडे मैं जब अगर रात में आ जाऊँ तो मेरे को अंडा मिल जाता है, वरना जो है अंडा सुबह तक नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि भाई अंडा जो है ना खा रहे हैं ये लोग, गायब हो रहे हैं अंडा। बाकी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आ गया ओहो कैसी आवाज निकाल रहा, दूसरी कौन है भाई, इसकी फीमेल है, आ जाओ तुम भी आ जाओ।
तो भाई इसको मैंने छोड़ा तो इसको देखे फौरन जो है ना पड्डा होना शुरू हो जाता है। सुल्तान जो है ना हमारा बड़ा हो गया ना तो सुल्तान इसको मारने लग जाता है भाई। अभी चलते हैं हम लोग बाहर। क्या हुआ? खाना नहीं डाला तुमने किनको? अरे हाँ यार मैं तो भूल गया, चलो खाने के चक्कर में अंदर चले गया। देखो चलो भूखे बच्चों को देखो। हाँ पहले आ रहे थे ये, मैंने डालना था मैं भूल गया, अंदर चले गया था मैं डांस देखने लान जगह। चलो भाई इनको भी डाल देते हैं, मैं डामर को डाल देता हूँ। चलो खाओ 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 खाओ। ओए हो डामर खाओ भाई डामर। चलो भाई डामर के मजे आ गए और इधर मिल्की के। अरे बच्चे तो छुप गए सारे, ऊपर ऊपर भाग जाएंगे बच्चे, ऊपर ही बैठे होते हैं। चलो जो नीचे से ही खाते रहेंगे सही। बाकी इधर अभी तक डांस चल रहा है भाई। फाउंटेन चला दो यार, फाउंटेन अभी चलाते हैं। अभी फाउंटेन को जो है ना मैंने ऑन कर दिया है। और हमारे भाई कहाँ कछुए भाई, कहाँ भाई, ये रहे कछुए, एक कछुआ दूसरा कछुआ ही आ गया भाई। चलो जी और इसको अभी धूप लगा देते हैं भाई, यहाँ पे रख देते हैं, ये भाग ना जाए धूप में। हाँ ये भाग जाएंगे भाई। इसको जो है ना पिंजरे में रख देते हैं, पिंजरे में रख दूँ इस वाले में रख दूँ इस पिंजरे में रख देते हैं भाई इसको, क्योंकि ये जो है ना भाग जाएंगे थोड़ी देर में। चलो भाई इनको रख दिया, बाकी भाई इनको तो मैंने धूप में रख दिया है। और एक मसला और हो गया है, ये है कि वो हमारे यहाँ गैस का मसला हो गया, जो रमज़ान आ गया है तो रमज़ान में जो है ना गैस वगैरह चली जाती है, तो भाई नहाने वगैरह का मसला होता है तो गीज़र तो गैस नहीं होगी तो गीज़र काम चलेगा। तो टाइमिंग गैस की आप लोग पता है कि दोपहर में मसल 3-4 बजे आती है, फिर वो अफ्तारी तक रहती है, और जो है रात 3-4 बजे आती है, और वो सुबह मतलब 5-6 बजे तक सैरी के लिए होती है। तो अभी मसला ये मेरे को नहाना है, और नहाने के लिए पानी नहीं है गर्म, तो भाई पानी हमें करना पड़ेगा खुद गर्म। तो अभी फटाफट इसमें आग लगाते हैं और भाई पानी वगैरह गर्म करते हैं। भाई ये हमारा चूल्हा है, अभी इसमें फटाफट आग लगाते हैं। आग लगाने के लिए जो मैंने इसमें लकड़ी तो नहीं बुरादा डाल दिया, भूसा जो होता है लकड़ी का जो, तो ये हमने इसमें डाल दिया और थैलियाँ वगैरह भर दी हैं। तो अब इसमें आग लगाते हैं भाई, ऐसे क्या कैसे आग लगेगी भाई इसमें। लग रही है आग भाई? हाँ भाई आग तो लगना स्टार्ट हो गई है, अभी देखते हैं ये लगती है नहीं लगती। इसमें तो नीचे से लगानी पड़ेगी हमें आग, नीचे से खिड़की खोलते हैं भाई, पहले इधर आग लगाते हैं। हेलो भाई इधर तो आग लगा दी हमने, भाई आग लगना शुरू हो गई है अभी। इधर ऊपर वाली तो बुझ गई आग, तो नीचे की जो है ना आग इधर लगना शुरू हो गई है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। हाँ भाई अंदर तो आग लग गई है, देखें अंदर आग लग गई है। अभी बुरादा जलना स्टार्ट हो जाएगा। ओह बुरादा गिर रहा है भाई, भाई अब धुआं हो गया, धुआं स्टार्ट हो गया इधर। तो अब इस पर रखते हैं पानी का बर्तन अपना भर के, जिसमें हमें गर्म करने कलसा जो होता है। वही आग तो लग गई हमारी, और फटाफट पानी गर्म कर पानी रखते हैं इस पर फिर, ताकि पानी गर्म हो फटाफट। तो भैया आ गया हमारा पानी का बर्तन, ये इसके हमने रख दिया इसके ऊपर। अब भाई पानी गर्म होगा। पुराने दौर में वापस आ गए हम लोग भाई, गाँव का जो मंदिर होता है ना, मतलब वहाँ पर भी इसी तरह पानी वगैरह गर्म किया जाता है ना। तो भाई अभी वही वाला जो है ना मंदिर आ गया, पानी हमें जो है ना ऐसे गर्म खाना वगैरह पानी जो है हमें इस पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ गैस का बड़ा मसला है भाई। कराची में सर्दियाँ आती हैं और गैस गायब हो जाती है, बस इसको हम खिड़की को कर देते हैं बंद, ताकि जो है हवा लगे नहीं और इसमें आग लगी रहेगी भाई। तो भाई खैर इसको आग लगे रहने देते हैं। खैर इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।